जीता पल्ले पार लग जाए 10-5 साल में कुछ कर ही नहीं है, भी नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। सांसद होते भी ये हुए यहाँ दिखाई नहीं दिए, कभी एरिया में नहीं आए, किसी का हाल चाल नहीं है। प्राइमरी का सुधार हो और रोजगार का सुधार हो और योजनाएं हर लोगों को निस्वार्थ बिना जाति भेदभाव के। भदोही मतगणना के बाद यहाँ का जो माहौल है कुछ अलग ही दिख रहा है। इसमें देखा जाए तो भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद की जीत हो चुकी है। आइए जीत के बाद यहाँ के लोगों से पूछते हैं। इस समय हम ज्ञानपुर में हैं, ज्ञानपुर विधानसभा में, और जीत के बाद आइए लोगों की राय जानते हैं कि क्या लोगों का कहना है। आइए तो देखिए, ये एक नुक्कड़ है और देखा जाए यहाँ एक चाय की दुकान है और यहाँ तमाम लोग इस समय चुनावी जो चर्चा है वो कर रहे थे। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, क्या नाम है चाचा? दुखु सोनकर है। दुखु सोनकर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यही मिल्की से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बार भदोही में? एक बार फिर देखा जाए तो बीजेपी अपनी बढ़त बना कर जीत हासिल कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई अब की पारी तो बनाए ली है सरकार, यहाँ से जीते गई है, अब अगले बार देखा जाएगा क्या होगा, अगले बार सोचा जाएगा क्या होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम सागर पाल। राम सागर पाल। अच्छा, क्या है? चुनाव कुछ हम सर नहीं कुछ वोट दिए थे नहीं? हाँ, वोट दिए थे हम, चुनाव कुछ है मेरा। चलिए, वो मतलब सब कुछ हो गया है, काउंटिंग हो चुका है, मतगणना हो चुका है, आप बता दीजिए कि किसको वोट दिए थे? अब हम कमल के फूल पे दिए। कमल फूल, मतलब जो जीता वही? हाँ। चलिए कोई बात नहीं, आइए दादाजी, क्या नाम है? श्यामा यादव। अच्छा, श्यामा यादव भदोही ज्ञानपुर से ही हैं। अच्छा, तो आप ललते जी को वोट किए होंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को आप वोट भी करते तो भी बीजेपी वाले मानते नहीं यार, तो क्या कारण हो सकता है कि आज ललतेश जी नहीं जीत पाए? अब क्या बताओ, जब नहीं तो क्या ऐसा कमी है कि मतलब यहाँ से टीएमसी नहीं पाई? प्रथम आपका मिल्की ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत है, और बीजेपी की जो योजनाएं थी उनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था वह गांव गांव बहन बेटियों तक हर जगह पहुंचा, और जिस कारण डॉक्टर विनोद बिंद जी को इसका फायदा मिला। और आशा करता हूं कि आप हमारे जिले की गरिमा को बनाए रखेंगे और रोजगार पर विशेष फोकस रखेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा है रोजगार। यहाँ पे आप जीते उसकी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ रोजगार, क्योंकि बहुत सारे आस लगा बैठे कि आप जीतेंगे तो कुछ काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में गुरुजी शिक्षा, हमारी जो गरीब परिवार से स्टूडेंट है, प्राइमरी का सुधार हो और रोजगार का सुधार हो और योजनाएं हर लोगों को निस्वार्थ बिना जाति भेदभाव की मिले, बिना जाति और कानून व्यवस्था भी उज्जवल रहनी चाहिए, इस पर फोकस किया जाए। और बाकी सरकार के साथ जनता, हमारे यहाँ का ग्राम सभा, सभी उनके साथ पूर्ण सहयोग से हैं। सहयोग से हैं जी, पूर्ण सहयोग से हैं जी, बिल्कुल। चलिए आइए, नाम बताइए अपना। गोपाल चौधरी। नाम आता है ना, नाम बताइए, कहाँ से घर है? घर कहाँ? देवाईपुर। देवाईपुर, तिवारीपुर या देवाईपुर? देवाईपुर। अच्छा, किसको वोट दिए थे तो बता सकते हैं? हम लोग भाजपा के संगे थे। भाजपा? चाचा सही सही बताया। हाँ, नहीं सही सही, हम बगल है, हम लोग भाजपा के संगे। चलिए, ऐसा नहीं है बिंद जी जीत गए तो आप भाजपा के साथ है, हम लोग भाजपा के संगे। कुछ कहना चाहेंगे? बिंद जी जीत चुके हैं आपके भदोही लोकसभा से। जे जीता पल्ले पे पार लग जाए 10-5 साल में कुछ कर ही धरी में। बिंद जी भी नहीं करेंगे? कोई काम नहीं करेंगे, सब लपेटे लपा लग जाए। अच्छा, यहाँ आते हैं लोग लपेटने के लिए क्या? बस लपेटे, बस 10-5 लाख खर्च के बस घस के घस के। हाँ, यहाँ कुछ क्यों काम धाम करता नहीं है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी बने हैं, हो सकता है काम हो आगे। चेन्नई से बचे लपेटा है, 5 साल लपेटे, 5 साल लपेटे, 5 साल। आइए, और कुछ लोग हैं भाई, बात करते हैं, क्योंकि जनता की राय बहुत जरूरी है कि हमारे जो नए सांसद अब आ रहे हैं भदोही में क्या काम होना चाहिए, जनता की राय बहुत जरूरी है। चाचा नाम बताइए। भैया अभयराज दुबे। 5 साल से रमेश बिंद रहे, पहली बार आए रहे तो यही विधायक जी जो वाहन वो लिया है कि 20 जने से माला पहनवा रहे। विपुल जी, विपुल जी, और करे बाद वो गांव में झांके तक नहीं आए रहे। अच्छा, विपुल जी अभी नहीं आया गाँव? रमेश, 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 विपुल तो गाँव के है। रमेश बिंद जी जो अभी वहाँ मिर्जापुर से लड़ रहे हैं, वहाँ से हार गए, क्योंकि नहीं नहीं वहाँ से अभी लीड में चल रहे हैं काफी, मतलब हाँ जीते नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार सांसद नया आप चुन लिए? जैसन काम दिखाई दे वैसन कहा जाए और क्या बताओ जाए। अरे सब बड़े, बहुत बड़े लोग हैं, विकास होना चाहिए कि नहीं? अरे एकदम होना चाहिए, कि मोदी के लोग यही बड़े पसंद करते हैं कि विकास रहा। आइए, हाँ क्या बोल रहे हैं?
बोला विकास के लिए लोग किए हैं ना। अच्छा, तो नए सांसद जो आए हैं आप लोगों को पूरा उम्मीद है कि विकास करेंगे? उम्मीद तो है, इसीलिए तो दिया गया है। उम्मीद तो है तभी तो किया गया है। ऐसा नहीं बिंद जी पिछली बार थे, इस बार ये भी कुछ इस बार करेंगे तो दोबारा तो नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे, दोबारा मांगने भी नहीं आएंगे, जनता खुद उनको भगा देगी। सही बात है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे नए सांसद को? नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा बब्बू नाम का। कहाँ है घर? मिल्की। किसको वोट किए थे? वोट किसको किए थे? भाजपा के। भाजपा को। अच्छा, सांसद जी को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, का कह उनसे कुछ नहीं कहेंगे? देखे नहीं का कह उनके। अब कैसे वोट दे दिया? अरे हमारे बिल्कुल डूबे कहन वोट दे दे। अच्छा, डूबे जी बोल दिया आपने? बिल्कुल डूबे विधायक हमारे। अच्छा, विधायक जी के नाम से। चलिए बताइए सांसद जी को क्या कहना चाहेंगे? नए सांसद आपने चुना है भदोही में। सांसद जी से यही कहेंगे कि हमारे जो ज्ञानपुर का विकास है, इस विकास को कहीं न कहीं देखा जाए तो रोड नहीं है, कहीं किसी को रोजगार नहीं है, कमाने खाने का कोई जरिया नहीं है। कालीन नगरी था वो भी पिट गई, तो यहाँ के लोगों को रहने के लिए खाने पीने का क्या सुविधा है? कोई सुविधा है तो क्या मांग कर रहे हैं? अब तो आपके सांसद जी आ चुके हैं, जीत गए हैं, मांग बताइए आप लोग। हम यही चाहते हैं कि हमारे जैसे कि हमारे जो ज्ञानपुर के रहने वाले हैं, ये सब कोई दूसरे शहर में जाते हैं कमाने खाने के लिए, कहीं दिल्ली, कहीं गुजरात, कहीं कहाँ। उनको वहाँ रहने का जो कमाया वो वहीं पे रह गया। कम से कम यहाँ पे रहेंगे तो अपना अपने घर में पूरे दिन काम करा, शाम अपने घर तो आ लेंगे। मतलब काम होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे रोजगार दें, रोजगार दें। चलिए भाई, नए सांसद जो थे उनसे उम्मीद यही है कि यहाँ पे रोजगार आप लाएंगे। यादव जी, हाँ हाँ, क्या कहना चाहेंगे बिंद जी को, डॉक्टर साहब को? अरे बिंद जी को अच्छी बातें हैं, धन्यवाद है, वो अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे। पर एक बार तो हुए सांसद, सांसद होते भी ये हुए यहाँ दिखाई नहीं दिए, कभी एरिया में नहीं आए, किसी का हाल चाल नहीं लिए। प्रचार में आए थे कि नहीं? नहीं आए थे, प्रचार में भी नहीं आए, किसी का दुख सुख भी पूछने के लिए नहीं आए। अच्छा, जो हम आपको कह रहे हैं सत्य बात कह रहे हैं, जो आप लोग ललितेश की बात कर रहे हो तो नए विधायकों की यहाँ आए थे भाई। फिर भी सांसद आप लोग चुन लिए हैं इनको? सांसद चुन लिए इसलिए भाई, अब देखेंगे, फिर भी चुने गए पर हम लोग तो मान सम्मान दे दिए, पर हुआ समझे दो ना। तो ये थे ज्ञानपुर की विधानसभा के कुछ लोग जो कि मुख्यालय यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर है, और मैंने सोचा यहाँ के लोगों की जनता, यहाँ की जो जनता है वो क्या चाह रही है, क्या मांग है नए सांसद जो आए हैं डॉक्टर विनोद बिंद, क्या इनकी जो इच्छा है, इनकी जो मांग है वो पूरा करेंगे? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग कमेंट करके बताइए। और डॉक्टर साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई भदोही लोकसभा में एक बार सांसद बनने के लिए। मैं आशा करता हूं आप अपना प्यार इन लोगों पे बरसाएंगे और अगले पंचवर्षीय आप फिर से यहाँ सांसद चुने जाएंगे। चलिए, बाकी भदोही वाले जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।